नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लान के बारे में बात कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ने स्पेशली फोर्सफुली LIC द्वारा इंट्रोड्यूस कराया है। जी हां, जिनके पास भी आधार कार्ड है उनके लिए ये प्लान स्पेशली बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूं आधार स्तंभ और आधार शिला प्लान की। आधार स्तंभ और आधार शिला प्लान, आधार स्तंभ प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि स्पेशली मेल्स के लिए है और वो भी उनके लिए है जिनके पास आधार कार्ड है। उसी तरीके से आधार शिला प्लान है, जिसके पास आधार कार्ड है उन्हीं को ये प्लान मिलेगा। बाकी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आधार शिला प्लान की, जो कि स्पेशली फीमेल्स के लिए है। इस प्लान को मेल नहीं खरीद सकते, मेल अपने लिए नहीं बना सकते इस प्लान को। क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी उम्र से कितनी उम्र की लेडीज के लिए प्लान बना हुआ है, क्या स्पेशल फीचर डाला गया इस प्लान के अंदर, क्यों गवर्नमेंट ने इस प्लान को फोर्स कराया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया या इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है LIC की आधारशिला प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है LIC के आधारशिला प्लान की, जो कि स्पेशली लेडीज के लिए प्लान बनाया गया है। इस प्लान के अंदर कोई भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिटेल्स को बेसिक डिटेल में, इस प्लान का नाम है आधारशिला। इसका जो टेबल नंबर है वो टेबल नंबर है 944 नंबर। वहीं पे अगर एंट्री एज की बात करी जाए तो मिनिमम एंट्री एज 8 साल है और मैक्सिमम 55 साल रखी गई है। और सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम 2 लाख का पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख रुपए की। वहीं पे अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 20 साल है। तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए सोच रहे हैं, तो आप इस प्लान में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 साल और 20 साल के बीच में किसी को भी टेन्योर को ले सकते हैं आप। प्रीमियम पे इनकम सेम रहेगा, जितने साल की आपकी पॉलिसी है उतने साल ही आपको प्रीमियम पे करना होगा। मतलब अगर 12 साल की पॉलिसी है तो 12 साल प्रीमियम पे करना होगा। वहीं पे लोन और सरेंडर की बात करते हैं 2 साल बाद अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज रखी गई है इस पॉलिसी के अंदर वो 70 साल है, मतलब 55 साल का पर्सन मैक्सिमम 15 साल की पॉलिसी ले सकता है। वहीं पे प्रीमियम पेइंग मोड, इसके अंदर चारों ऑप्शंस अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। वहीं पे अगर बात करें ग्रेस पीरियड की, तो इसके अंदर मंथली मोड अगर आपने चुनाव करता है तो उसके अंदर 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। वहीं पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। आगे मैच्योरिटी सेटलमेंट का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है, 5 साल, 10 साल और 15 साल का। बाकी अगर आप एक्सीडेंट राइडर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा इस पॉलिसी के अंदर। मेडिकल टेस्ट की बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस प्लान के अंदर मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। और मैच्योरिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन इसमें जोड़ के आपको मिलता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड ही सफिशियंट इस प्लान को लेने के लिए। वहीं पर इनकम टैक्स की बेनिफिट की बात करें तो ये प्लान ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसके अंदर आपको छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। वहीं पर जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टैक्स फ्री रहेगी। और तीसरा, कोई डेथ क्लेम है, रिटर्न है, वो भी टोटल टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। एज ले ली 20 साल, पर डे सेविंग 22 रुपये अगर करते हैं आप, तो सम एश्योर्ड लिया हमने 2 लाख रुपये। इसमें 2 लाख रुपये सम एश्योर्ड पे आपकी जो पॉलिसी टर्म है 20 साल है। वहीं पे प्रीमियम पे इनकम भी 20 साल आ रहा है। लाइफ इंश्योरेंस में मिल रहा है आपको नेचुरल पे 2 लाख रुपये, एक्सीडेंटल पे 4 लाख रुपये। अब मंथली प्रीमियम कितना होगा, 659 रुपये। तो मतलब घर की कोई भी महिला घर में जो फुटकर पैसे इकट्ठा करती है उससे इस प्लान को ले सकते हैं। 2 लाख रुपये का अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं नेचुरल और एक्सीडेंटल 4 लाख रुपये का। उस केस के अंदर अब वो 20 साल के अंदर जमा करेंगे 158,000 रुपये और मैच्योरिटी उनको मिल जाएगी 2,65,000 रुपये। मतलब फुटकर इकट्ठा करके भी वो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। अब एग्जांपल दूसरा लेते हैं, जैसे थोड़ी सी इनकम हमने सेविंग बढ़ा दी है, 22 रुपये से 42 रुपये कर दिए, इस पर इंश्योरेंस उनको मिल गया 4 लाख रुपये का, पॉलिसी टर्म मिल रहा है उनको 20 साल का, प्रीमियम भी 20 साल पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस में वही सेम नेचुरल पे 4 लाख रुपये और एक्सीडेंटल पे 8 लाख रुपये हो रहे हैं। मंथली प्रीमियम 1268 रुपये आएगा। टोटल जो प्रीमियम पे करेंगे वो 3,05,000 पे करेंगे, इसके बदले में 5,30,000 रुपये इनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा आप सेविंग कर सकते हैं तो 51 रुपये पर डे, मतलब इसमें 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये रहेगा, 20 साल की पॉलिसी रहेगी और 20 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। 5 लाख का नेचुरल और एक्सीडेंटल 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस होता है। इसमें मंथली तकरीबन 1500 रुपये के आसपास आपको बचाना होता है। तो टोटल प्रीमियम जो पे करेंगे 3,71,000 जमा करते हैं और 6,62,000 रुपये आपको मैच्योरिटी 20 साल में मिल जाती है। तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में स्टार्ट करना चाहते हैं प्लान तो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड की जरूरत है, किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ये प्लान ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आके जो है इसकी जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन है कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन LIC के आधारशिला की। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक और कमेंट हम या हमारी टीम जरूर पढ़ती है और उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हिंदुस्तान की हर महिला अपने आप को इंश्योर कर सके, सिक्योर कर सके और अपने लिए कुछ पैसा सेव कर सके। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।